अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री आए थे और हमारे जो इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वो आए थे और उन्होंने बोला कि 15 दिन का शांति रखो। हमारे जो कुकी जोमी ग्रुप है उन्होंने शांति बनाया है। देखिए सॉल्यूशन जो है ना, हमें भी सॉल्यूशन का नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। अगर सरकार चाहते तो ऐसे वाला जो हिंसा हो रहा है एक दिन भी नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ विशाल सिंह। मेरे पीछे आप कुछ लोग देख सकते हैं, ये सभी लोग जो है मणिपुर दंगे के जो विक्टम्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले जो मैतेई समाज था वो यहाँ पर आया हुआ था, धरना दे रहा था कुकी समाज के खिलाफ, लेकिन आज जो है कुकी समुदाय यहाँ पर आया हुआ है, मैतेई समाज से रक्षा जो है धरने के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अमित शाह से भी आज ये लोग मिले थे, क्या कुछ बातें रही उनसे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोग, इन्होंने हाथों में बैनर्स लिए हैं, अमित शाह जी प्रोमिसेस, अमित शाह जो है गृह मंत्री देश के, उनसे इन्होंने प्रॉमिस मांगा था एक सेफ्टी का, लेकिन इन्हें मिली या नहीं मिली इनसे चर्चा करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे, एक महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस पूरे घटना को, अभी तक कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। देखिए अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री आए थे और हमारे जो इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वो आए थे और उन्होंने बोला कि 15 दिन का शांति रखो। हमारे जो कुकी जोमी ग्रुप है उन्होंने शांति बनाया है, लेकिन इसके बावजूद द अदर साइड वो हमें हमला, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारे गांव को जला रहे हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। उनके तरफ से भी शांति होना चाहिए, हम तो शांति अभी मेंटेन कर रहे हैं और हम रेस्पेक्ट करते हैं कि गृह मंत्री जी आए हैं, हमसे मिले हैं और हम उसने पूरा जो सिचुएशन है उसका जांच किया है। जब मैतेई समाज यहाँ पर आया था धरना देने, वो आरोप लगा रहा था कि कुकी समुदाय के लोगों ने जो है झगड़ा स्टार्ट किया है, वो लोग सुनने को तैयार नहीं है, बात नहीं करने को तैयार है, क्या यह सब सच है? देखिए हमने शुरुआत हमने नहीं किया है, शुरुआत उन्होंने किया है। जब हम 3 मई को हमने सॉलिडरिटी मार्च किया था, उन्होंने क्या किया, जो हमारा मार्च था पीसफुल मार्च को, उसको उसने जो वहाँ के मार्च के लिए जो आए थे उसको अटैक किया। अटैक करने के बाद उन्होंने जो इम्फाल वैली में है जहाँ पे वो बहुमत में है, वहाँ पे जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनको, उनके ऊपर हमला किया और हमें गांव अपने घरों से निकाल दिया। और ये मैं देख सकता हूँ पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें लिखा है ओवरऑल 88+ डेथ्स, तो क्या ये 88 जो कुकी समुदाय के हैं उनके ही हैं, मैथी के मिला के हैं? सर मैं आपको साफ कहना चाहती हूँ, जो जितना हमारे यहाँ पे जो शहीद हुए हैं ये है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, इतने सारे हमारे कुकी जोमी ब्रदर्स हैं, भाई हैं, जिनका जो शरीर है आइडेंटिफाई भी नहीं हो रहा है। दीज आर ओनली बॉडीज विच हैव बीन आइडेंटिफाई, और हमारे कुकी जोमी ब्रदर्स हु हैव सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द लैंड टू प्रोटेक्ट देयर विलेजेस। अच्छा, तो वहाँ पर जो जमीनी हकीकत है, क्या अमित शाह जी से आप लोग आज मिलने गए थे, क्या कुछ रहा? देखिए अमित शाह जी हमारे जो गृह मंत्री जी है देश का, वो हमारा जो हमारा विश्वास उनके ऊपर है, बस केंद्र सरकार के ऊपर विश्वास है, बस मोदी जी के ऊपर विश्वास है, और हम विश्वास करते हैं हमारे इंडियन आर्मी पे, हमारे इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस पे, ये विश्वास हमारा है। और हमें पता है कि हमारा जो हमारे देश के जो केंद्र सरकार है हमारे बातें सुनेंगे। तो ये जो आपका प्रोटेस्ट है क्या लंबा चलने वाला है जब तक न्याय नहीं मिलता? सर देखिए हमारा जो प्रोटेस्ट है जारी रहेगा, हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो प्रोटेस्ट करोगे ना, न्याय मिलने से पहले हम कैसे चुप रहेंगे? सरकार से उम्मीद है कि न्याय जल्द से जल्द मिल सकता है। सरकार हैज हमारा जो सरकार है बहुत अच्छा सरकार है और हमारा ये विश्वास है कि हम हमारे लिए एक सोल्यूशन लाएंगे और हमारा पूरा विश्वास है उनके ऊपर। अच्छा, हिंदुस्तान में जो कुछ लोग हैं जिन्हें इस मुद्दे के बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं है, तो उनको कैसे समझाएंगे ये जड़ कहाँ स्टार्ट हुई इस पूरी? देखिए मेरे प्यारे हिंदुस्तान के लोग,
आप ये, आपको ये समझना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये, इसको बोलते जातीय सफाई, एथनिक क्लेंसिंग। यू आर अटैकिंग अस बिकॉज वी आर कुकी ज़ोमी ट्राइबल्स, यू आर अटैकिंग अस बिकॉज वी आर ट्राइबल्स बिलोंगिंग टू कुकी ज़ोमी ट्राइबल ग्रुप। इसको कहते हैं एथनिक क्लेंसिंग, जातीय सफाई। तो इसको आप बंद करो, बंद करो हमारे खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, हमला हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और भी जो कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी चर्चा करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहती हैं। मैम, आप यहाँ पर एक महीने से ज़्यादा हो गए हैं इस दंगे को मणिपुर में, क्या लगता है कब तक सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, सॉल्यूशन जो है ना, हमें भी सॉल्यूशन का नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। अगर सरकार चाहते तो ऐसे वाला जो हिंसा हो रहा है एक दिन भी नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे एक दिन तो छोड़ो, 30 दिन और 4 दिन हो गया है, उसके बावजूद भी हमारे अमित शाह जी, होम मिनिस्टर ऑनरेबल हमारा अमित शाह जी, वो भी गए हैं 29 मई को गया है, आज 10वीं दिन हो गई हैं। 10वीं दिन होने के बाद भी हमारा गांव जो है 56 villages, उनके जाने के बाद भी 56, जिस दिन गए थे 16 villages बर्न डाउन हुआ, और उन्होंने 15 दिन पीस मेंटेन करने के लिए, सीज फायर के लिए बोला है, फिर भी हमारे लोग जो है कुकी जनजाति लोगों ने पीस मेंटेन किया, बट हमारे गांव जो है अभी तक का 56 जल गया और 20 चर्चेस जला दिया, 6 लोग मर गए हैं, 10 लोग और काउंटिंग घायल हुए हैं। जिस तरह से आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैथी समाज भी यहाँ पर आया राजधानी दिल्ली में, वो लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जो है जड़ स्टार्ट करी लड़ाई की, तो सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? देखिए, सच्चाई आपके सामने है। मेरा विनती है, जो हमारे बाकी देश लोग हैं, आप लोग भी क्यों हमारे लिए क्यों नहीं उठा रहे हो, आवाज़ उठाइए, आप लोग भी आवाज़ उठाइए, हम भी इंसान हैं, हम भी इंडियन हैं, हमारे साथ इतना ये जो हो रहा है ना, आप लोग क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? कल 3 दिन पहले, 3 दिन पहले की बात है, 5 साल बच्चा बीमार है, उसके माँ ने एम्बुलेंस में लेके गया इम्फाल में, क्योंकि सारे सुविधाएं जो है वैली में नहीं है, हिल्स में नहीं है, वैली में है, तो अपने माँ ने अपने बच्चे को इलाज के लिए लेके गया एम्बुलेंस में, उसको उतार के गोली मारा सिर पे, नहीं मरा, इसलिए उनकी माँ और उनके रिलेटिव है एक अनदर वुमेन, उन दोनों को भी अंदर डाल के जला दिया। तो ये आपको लग रहा है कि हम सही हैं या मैथी सही है, इसमें से आप डिसाइड कीजिए। और जो यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग भी खुद देखिए यहाँ पे, ठीक है, कौन सही है कौन गलत, सबको दिखाई दे रहे, तो आप लोग हमारे क्यों सही के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? अगर ऐसे जो अहिंसा चल रहे हैं, स्टेट छोड़ दीजिए, स्टेट इवन सेंट्रल तो छोड़ो, अगर स्टेट हमारे, स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ, या अगर वो सच्चाई के साथ होता, ये होने नहीं देते। यहाँ पे अभी सारे पब्लिक मर रहे हैं ना, इसीलिए ये बोल रही हूँ, ये किसके साथ सही है गलत है सबको पता है। तो आप लोगों के अगले कदम क्या होंगे, जो जातिगत लड़ाई चल रही है, क्या लगता है निपटारा कैसे होगा, और आपकी अगले कदम क्या होंगे? अगले का हमें भी नहीं पता है, हमारा घर जल गया, हमारे सब कुछ जला दिया, हमें मारा गया, हमें अपने घर से बेघर कर दिया, क्या हम क्या सोचेंगे? हमारा सिर्फ ये है कि हमारा होम मिनिस्टर जी वो हमारे लिए कुछ सोचे, हमें प्रोटेक्ट करे, सिर्फ हम उन पर डिपेंड कर रहे हैं, हमारे से कुछ नहीं होगा, अभी सिर्फ हम उनके निमंत्रण हैं, इसलिए हम आज उनके पास मेमोरेंडम दे के आए हैं कि हमारा मदद कीजिए, स्टेट फोर्सेस को अभी तुरंत हटाइए, क्योंकि वो लोग स्टेट फोर्सेस सारा यूज़ करके हमारे जनजातियों को मार रहे हैं, स्टेट फोर्सेस हटाइए। तब तक हमारा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांगे पूरी नहीं होते, सिर्फ इंडियन आर्मी को डिप्लॉय कीजिए, क्योंकि सिर्फ इंडियन आर्मी भी अभी इन लोगों ने क्या किया है, जब इंडियन आर्मी हमारे गांव को बचाने के लिए जाते हैं, जो अभी जो ऑटो मेटी में भी हैं, मेटी ऑटो उन्होंने घेर के इंडियन आर्मी को एक कोने में घेरते हैं, अपना महिला का पावर यूज़ करके, मिस यूज़ करके, और फिर अपना मिलिटेंट्स लोगों को जलाने के लिए उनको परमिशन देते हैं। तो इसलिए इंडियन आर्मी सिर्फ हमें चाहिए, स्टेट फोर्सेस यहाँ से तुरंत हटाइए और जस्टिस कीजिए। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने जो है कुकी समाज इनका पक्ष रखा, आपने सुना इन्होंने अपनी बातें बताई किस तरह से इनके साथ अत्याचार हो रहा है, और ये जो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। आज गृहमंत्री अमित शाह से भी ये लोग मिलने गए थे, एक मेमोरेंडम जो है अमित शाह को दिया है, और इस ऐसी उम्मीद लगाई है कि जल्द से जल्द इन लोगों की जो है मांगे वो सुनी जाए, सुनवाई हो इनके मुद्दे को लेकर। तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा जो है मणिपुर की हिंसा को हो चुके हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर कितना जो है यहाँ पर जोश इन सभी प्रदर्शन
कार्यों में है, यहाँ पर हाथों में बैनर्स लेके तिरंगे के साथ ये सभी जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बैनर्स में आप देख सकते हैं ओवर 88 प्लस डेथ, यानी कि इसमें दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि 88 से ज्यादा डेथ यहाँ पर हो चुकी है इनकी हिंसा में। आप देख सकते हैं काली पट्टी भी इन लोगों ने बांध रखी है, जो कि दर्शाता है कि ये अपना विरोध जता रहे हैं लगातार जो मैथी समाज है उसके खिलाफ। हालांकि मैथी समाज की तरफ से भी काफी लोगों ने यहाँ पर आकर प्रदर्शन किया था, वो लोग लगातार इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला है दोनों समाजों के बीच लगातार जारी है। ऐसे में देखना होगा कि इनका न्याय क्या कब मिलता है, इंसाफ कब तक मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या कुछ लगता है इस पूरे मणिपुर हिंसा के बारे में, जिसकी आग आज राजधानी दिल्ली तक आ पहुंची है, अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दिल्ली से जेके 24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।